बातें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ जुमले बहुत सबक आमोज होते हैं, लेकिन हम तक वो इस तरीक़े से पहुंचती है, इस अंदाज़ में हमें बताई जाती है या पढ़ाई जाती है, या हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं या हम तक पहुंचती है कि उनका असर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, या वो अंदाज़े बयां या लिखने का अंदाज़ या किसी भी तरह से हम उससे फिर मुतासर नहीं होते, हम मरगूब नहीं होते। ऐसे ही एक जुमला है, इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए, और ये हम तक इस अंदाज़ में पहुंचा है कि हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं और हमें लगता है कि बस सुन लिया। अगर हम इस पे सोचें कि इंसान को गलतियों से जब सीखने की बात हम करते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में इस तरह हुआ था। 2014 में मैंने दफ्तर में गुस्से में आके बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, और गुस्से में ही इंसान गलतियाँ करता है, जज्बाती हो जाता है, नादानियाँ करता है। तो मेरे बॉस ने मुझे बुला के कहा कि देखें, आप इस रोए ज़मीन पे पहले और आखिरी इंसान नहीं हैं जिनसे ये गलती हो गई, लेकिन आप वो इंसान बन सकते हैं, उन चंद इंसानों में अपने आप को शुमार कर सकते हैं कि जो गलती रियलाइज़ करने के बाद तहिया कर लेते हैं कि वो दोबारा कम से कम ये गलती नहीं करेगा, और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस आप आज से कर सकते हैं। बारी बात है, आज से 5-6 साल पहले की बात है, और उस वक्त मैं काफ़ी गुस्सा करने वाला, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी एरोगेंट यंग एंग्री बॉय था, लेकिन उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना सीखा, और आज जब मैं किसी को बोलता हूँ कि कभी मैं भी इस तरह गुस्सा करने वाला शख्स था, तो बहुत से कम लोग बिलीव करते हैं। सीख लिया मैंने कि जज्बात में, गुस्से में आके गलतियाँ करना आसान है, लेकिन मुश्किल है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और हमें आसान साइड पे नहीं जाना चाहिए, वो मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए जो कि गुस्से को कंट्रोल करना है। और अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी दफ़ा कब गुस्सा किया था, लेकिन एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि हमारा माशरा जो है वो शायद इंडिविजुअल सतह पे हम इस बात के लिए तो तैयार हैं कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उस पर माफ़ी मांग लेते हैं, और हम ये भी शायद कर लेते हैं कि हम वो दोबारा गलती ना करें, लेकिन एक गलती जो इज्तिमाई तौर पर हम कर रहे हैं वो ये है कि अगर एक इंसान से कोई गलती हो जाती है तो हम समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी स्टॉप हो गई। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने जो है वो कत्ल कर दिया, जो कि बहुत बुरा काम है, इतना बुरा काम है कि उसकी क्या कहते हैं कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हुआ कि उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसने कत्ल किया, मिसाल के तौर पर उसको जेल हो गई, 25 साल वो जेल काट के आ गया, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी सारी ज़िंदगी आप उसको कहें कि ये जिसने कत्ल किया था, उसके बच्चों को ताने दे, वो जिसके बाप ने कत्ल किया था। ऐसी अगर कोई खातून बाग के शादी करती है, यानी लव मैरिज जिसको कहते हैं, जिसे हम गैर पार्लियामानी अल्फाज में कहते हैं बाग के शादी करना, तो इस तरह नहीं हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म, बस खलास, नहीं, हम ज़िंदगी भर उसे ताना देते हैं, भाग गई थी, नस गई थी, उसके बच्चों को ताने देते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक मर्द ने अगर एक खातून का रेप किया, जो कि इंतहाई बुरा काम है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी स्टॉप हो गई और वो नॉर्मल इंसान बन के जी नहीं सकता। हमें जिस तरह हम खुद गलतियों से सीखते हैं, एक गलती करके उसके बाद पछतावा होता है, उसके बाद वो गलती नहीं करते, अपने आप को सुधारते हैं, इसी तरह हमें दूसरे इंसान को सुधारने का मौका देना चाहिए। एक इंसान ने कोई गलती कर ली, कोई जुर्म उससे सरजद हो गया,
کوئی بھی غیر اخلاقی، غیر قانونی اور معاشرے کو جو کام ایکسیپٹ نہیں ہے وہ کر دیا، نامس کو تھوڑا، ٹیبوس کو تھوڑا، تو وہ انسان اگر اپنے آپ کو سدھارتا ہے، وہ انسان اگر اپنی اصلاح کرتا ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. معاشرے میں اس طرح ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایک غلطی ایک انسان سے ہو جاتی ہے اور وہ اس کی پوری زندگی تو کیا کہ اس کے بچوں کو بھی اس کے باپ کے تانے دیکھے، وہ جس کے باپ نے چوری کی تھی، وہ جس کا باپ جو ہے وہ یہ کوئی بھی تانے زندگی بھر مارتے. ہمیں اس طرح اگر کریں تو اچھے انسان بن سکتے ہیں، عظیم انسان بن سکتے ہیں، کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ اگر ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا. میں اس طرح موریلٹیز پہ اتنا زیادہ بلیف نہیں کرتا جب جو معاشرے نے مورل جو انہوں نے ٹرینڈز سیٹ کیے ہیں یا معاشرے نے جو جس چیز کو موریلٹی معاشرہ کہتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر اگر ایک خاتون ہے اور وہ بد چلن ہے، اور جس کو ہم بد چلن کہتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے زیادہ لوگوں سے ان کے تعلقات ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد وہ نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہے، بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر اس کو اس ٹپیکل مائنڈ سے اس دیکھیں کہ یہ خاتون تو پہلے اس طرح تھی، اتنے چکر تھے. ایسے ایک مرد کے بارے میں بھی ہم کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص شراب پیتا ہے اور شراب کو ہم برا سمجھتے ہیں کیونکہ صحت کے لیے مضر ہے، تو اب اگر وہ شراب پینا چھوڑ دے تو اس طرح نہیں کہ ہم زندگی بھر اسے تانا دیں. ایسے ایکسیپٹ کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، دل کھلے کرنے چاہیے. یہ ایک بات میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کوشش کر لیں کہ اس پہ عمل کریں. اگر آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگے تو میری اصلاح کیجیے.